नशे की लत से परेशान, अब घबराए नहीं, नशा मुक्ति केंद्र लेकर आए हैं सभी तरह के नशे का जड़ से समाधान। अब किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, खैनी आदि, इन सभी तरह के नशे से छुटकारा पाने के लिए हमारे नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। सिर्फ एक कॉल पर आप अपने नशे से छुटकारा पा सकते हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ, तो जल्द ही संपर्क करें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। पृथ्वी पर मानव जीवन लंबे समय तक तभी चल सकता है अगर हम पेड़ों का संरक्षण करेंगे। अगर पेड़ों की कटाई यूं ही होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर मानव जीवन द्वार हो जाएगा। पेड़ों की बेलगाम कटाई पृथ्वी पर विभिन्न जानवरों और पक्षियों से अस्तित्व को संकट में डाल रही है। एक ओर सरकार करोड़ों रुपए पर्यावरण संरक्षण पर खर्च कर रही है, तो वही कुछ लोग समय के फायदे के लिए दिन रात पेड़ों की कटाई में लगे हुए हैं। कागरौल में चक्रोड के निर्माण में ठेकेदार किचिया उड़ाते हुए दिख रहा है और एक और उसके द्वारा मनरेगा का कार्य मजदूरों से न कराकर जेसीबी मशीन द्वारा कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उसने नियमों को ताक पर रखा, बिना किसी की मंजूरी के नीम, बम्बूल, शीशम इत्यादि के 25 से 30 बड़े हरे भरे पेड़ जेसीबी चलाकर जड़ से उखड़वा फेंके। पूरा मामला थाना कागरौल क्षेत्र का है। कागरौल स्थित रथिया मंदिर के पास खेतों में चक्रोड का निर्माण चल रहा है। मनरेगा का ठेकेदार देशराज अपनी दबंगी के साथ उड़ा रहा है नियमों की चियां। ठेकेदार ने जेसीबी मशीन से खेतों से पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका। ठेकेदार द्वारा जेसीबी मशीन से पेड़ों के उखाड़े जाने की सूचना जब खेत मालिक अखिलेश गुप्ता को मिली तो उसने खेतों में पेड़ उखाड़े जाने का विरोध किया। प्राइम 18 न्यूज के लिए आगरा देहात से राघविंदर सोनी की ब्यूरो रिपोर्ट।